चलिए दोस्तों चालू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको पता चलनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया में 15 मिलियन एंड्रॉइड डिवाइसेस जो है वो इन्फेक्ट हो गए हैं एजेंट स्मिथ नाम के एक मैलवेयर के साथ। जी हाँ, उन्होंने थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड किए, 9 ऐप्स जैसा एक ऐप स्टोर है उधर से डाउनलोड किए। कुछ कुछ ऐप्स तो ऐसे हैं कि पीछे से आपको एड्स दिखाते हैं, फाइनेंशियल गेन्स वगैरह आपसे लेते हैं। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा एड्स आपको दिख रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बीच में से ही पॉप आउट वगैरह हो जाता है, तो बेसिकली आप जो है वो जो एजेंट स्मिथ नाम का मैलवेयर है उससे आप इन्फेक्टेड हो, या फिर आपका जो स्मार्टफोन है वो। तो दोस्तों ये जो ऐप्स देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने ये कुछ इंस्टॉल किए तो इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर दीजिए, वरना इशू ही इशू, मैलवेयर ही मैलवेयर। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर दे दूं दोस्तों, जी हाँ, Mate 30 के बारे में है। ये फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन्स होने वाला है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये आने वाला है ग्लास यूनिबॉडी डिजाइन के साथ। अब ग्लास यूनिबॉडी यानी क्या, मतलब जो बीच में मेटल फ्रेम होती है और फिर ऊपर से ग्लास होता है, पीछे मेटल बैक या फिर ग्लास बैक होती है, ऐसे कुछ नहीं है। यूनिबॉडी होगा आगे और पीछे, देयर विल बी नो जॉइंट्स, इसका मतलब नो होल्स, नो पोर्ट्स, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट यूनिबॉडी। फिर आप सोचोगे कि भाई एसडी कार्ड या फिर सिम कार्ड किधर से डालेंगे, तो ये ई सिम के ऊपर होगा। Mate 30 सीरीज के फोन होंगे सुपर यूनिबॉडी ग्लास डिजाइन के साथ आने वाले। जब आएगा सभी डिटेल्स आपको जरूर देंगे। स्मार्ट देश का स्मार्टफोन आज सेल पे गया। मैं बात कर रहा हूं Redmi 7A की। और क्या हुआ, कुछ सेकेंड्स में दोस्तों सेल आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब कितने यूनिट्स रखे थे ये पता नहीं, लेकिन मनु कुमार जैन ने ट्विटर पे कहा है कि चिंता मत, वरी नॉट, हम बहुत ही जल्दी, मतलब जुलाई 18 को इसका अगला सेल है, तब और भी स्टॉक करेंगे। वैसे दोस्तों हमने आज किया हुआ है वीडियो बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 7000। जी हाँ, सो 7A इज नॉट देयर। जी हाँ, एकदम टॉप पे नहीं है। कौन सा है टॉप पे जरूर देखिएगा और फिर बाय कीजिएगा। राइट डिसीजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 463। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल सब कीजिए, सब नोटिफिकेशंस वीडियो के मिल जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पे हम देते हैं क्वालिटी टेक वीडियोस एंड क्वालिटी टेक न्यूज। लगे हाथ दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल्स भी कर ही दीजिए, ट्रैकिंग टेक हमारा हैंडल है। और दोस्तों Oppo K3 का टीजर पेज Amazon पे हो गया है लाइव। ये Amazon एक्सक्लूसिव होने वाला है, जुलाई 19 को लॉन्च कंफर्म हो गया। अगर आपको पता नहीं है तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी बहुत सारे बाहर आ गए हैं। K1 का ये सक्सेसर है, K2 गायब हो गया है, सीधा K3 आ गया है। बड़े स्क्रीन के साथ होगा, नॉचलेस डिस्प्ले होने वाला है, 6.5 इंच की एमोलेड FHD+ स्क्रीन होने वाली है। WOOC 3.0 चार्जिंग होने वाली है इसमें, डुअल कैमरा पीछे आगे, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ओवरऑल, एंड प्रोसेसर होने वाला है 710 Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर, साथ में 8GB रैम, और कहा जा रहा है 256GB स्टोरेज, 128 है ही नहीं, प्लस SD कार्ड स्लॉट भी होगा। आएगा तब सब कुछ बताएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, अगले हफ्ते हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यू सब लेके आएंगे। दोस्तों ये जो अगला हफ्ता होने वाला है जुलाई 15 से लेके जुलाई 21 तक, 5-6 दिन होने वाले हैं, इतने सारे स्मार्टफोन, इतनी सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है, पूछे मत, हमारे लिए तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक वीक। लेकिन दोस्तों जुलाई 15 को चाइना में ऑनर लॉन्च कर रहा है, एक मतलब टीजर डाला हुआ है उन्होंने, और स्क्वेरिश सा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। अब ये ऑनर मैजिक बुक उनका जो लैपटॉप है वो होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये होगा ऑनर TV। जी हाँ, बहुत दिनों से बात चल रही है ऑनर TV सेगमेंट में घुसने वाला है, फाइनली टीजर आ रहा है जुलाई 15th यानी मंडे को पता चल जाएगा कि भाई TV होने वाला है या लैपटॉप होने वाला है। ये चाइना में आएगा पहले, उसके बाद में आने वाला है इंडिया में। दोस्तों जुलाई 15 को ही Xiaomi का आ रहा है वायरलेस हेडफोन्स, ये जबरदस्त होने वाला है। 20 घंटे की बैटरी है, 40mm का डायनामिक ड्राइवर होने वाला है, एंड Mi.com पे जाएगा सेल पे जुलाई 15 को। हम कोशिश करेंगे जैसे ही आ जाता है सेल पे बाय करके आपको उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू दे दे। साथ में दोस्तों जुलाई 23 को ही Mi.com के ऊपर Xiaomi करने वाला है वाटर TDS टेस्टर लॉन्च। अब ये बेसिकली आपका जो वाटर होता है कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, ये टेस्ट करेगा। तो ये जो नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा है Xiaomi, अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि वो अच्छे प्राइस पे लाते हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। जैसे ही आते हैं हम खरीदते हैं, आपको दिखाते हैं, इसीलिए।
और दोस्तों ये जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं ये किस किस चीज में घुस जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, खुद के डिवाइसेस, खुद के ब्रांड्स तो लॉन्च ही कर रहे हैं। आपको पता है टेनोर अमेजोन ने लॉन्च किया, उसके बाद में फ्लिपकार्ट ने मार्क्यू एक ब्रांड लाया और बहुत सारी चीजें लाई हैं, और अब घुस गए हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। जी हाँ, उन्होंने टाई अप कर दिया एक्सिस बैंक मास्टर कार्ड के साथ और लेके आए हैं फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको जो भी आप बाय करो टू गुड.com से, फ्लिपकार्ट से और मिंत्रा से, ये जो फ्लिपकार्ट के जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर से, तो आपको 5% कैशबैक हर एक प्रोडक्ट पे मिलेगा। साथ में दूसरे भी स्कीम्स ऑफर्स वगैरह मिलने वाले हैं। क्या लगता है, आप खरीदोगे फ्लिपकार्ट का CC क्रेडिट कार्ड? जरूर बताइए। वैसे दोस्तों आजकल फैशन हो गई है सब ब्रांड लॉन्च करना, सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर सब ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। अब तो ऐसे हो रहा है कि सब ब्रांड का सब ब्रांड का सब ब्रांड भी आ रहा है। पोको फॉर एग्जांपल, जी हाँ, शाओमी है उसका सब ब्रांड, रेडमी है, रेडमी का सब ब्रांड पोको है, वगैरह वगैरह। और आपको तो पता है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ओप्पो, फिर उसके सब ब्रांड, फिर उसके सब ब्रांड, फिर उसके सब ब्रांड, ऐसे होते रहेगा। वैसे ही कहा भाई टेक्नो ने, ट्रांजिशन होल्डिंग कंपनी है, इनका जो ब्रांड है उन्होंने कहा हम भी ला रहे हैं एक सब ब्रांड जो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स लाएगा। अब ऑलरेडी टेक्नो उनका कैमोन और फैंटम ये बजट स्मार्टफोन्स ही लाता है 5 से 8 हज़ार, और अब जो फैंटम आया हुआ है 10 से 15 हज़ार तक, और बजट क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये जो नया सब ब्रांड होने वाला है टेक्नो का, उसका नाम होने वाला है स्पार्क। तो स्पार्क होगा, कैमोन होगा, उसके बाद में फैंटम होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है आज क्या टारगेट होना चाहिए लाइक का? इतने सारे अच्छे न्यूज है, 20,000, लेट्स क्रॉस इट टुगेदर। चलिए दोस्तों एक अच्छी खबर दे दूं आपको Mi A3 और Mi A3 Lite के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि भाई चाइना में CC9 और CC9 ही ये फोन्स लॉन्च हुए और इंडिया में इनका नाम होगा Mi A3 और Mi A3 Lite। लेकिन अब जो रूमर्स और लीक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जी हाँ, CC9 के कुछ कुछ अच्छे फीचर्स होंगे इसमें, लेकिन मेन जो है प्रोसेसर वो अलग होने वाला है। Mi A3 में 730 प्रोसेसर आएगा ऐसे कहा जा रहा है, एंड Mi A3 Lite में होने वाला है 675 प्रोसेसर। CC9 में था 710 और CC9e में था 665, तो प्रोसेसर अलग होगा लेकिन 48 मेगापिक्सल, साथ में ट्रिपल कैमरास, ये सब होने वाले हैं। और CC9 का डिजाइन लेके आए दोस्तों, दैट विल बी अमेजिंग। मतलब Mi A3 के का ये प्रोसेसर और CC9 के डिजाइन, दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पैकेज। और ये आएगा अगले 1 या 1.5 महीने में। अभी तो K20 Pro का लॉन्च है और 1-1.5 महीने के बाद Mi A3 और Mi A3 Lite का लॉन्च है। फिर से दोस्तों आज ऑनलाइन मीडिया ने खबर दी कि लिस्टिंग में आ गया है, सर्टिफिकेशन साइट्स पे लिस्ट हो गया है कौन सा, Realme 4 एंड Realme 4 Pro। जी हाँ, मैंने पहले आपको 2-3 न्यूज में बताया था कि 4 ये नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो Realme 5 या फिर 5 Pro आएगा। जनरली चाइनीज कंपनीज 4 नाम से फोन्स लॉन्च नहीं करती है क्योंकि अशुभ माना जाता है, और मैंने ये कंफर्म भी किया हुआ है कि 4 नहीं आएगा। तो ये जो लिस्टिंग वगैरह आए हुए हैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन वो Realme 4 और Realme 4 Pro के नहीं है, वो है Realme 5 या फिर 5 Pro के आ गए हैं। अगले 1-2 महीने में ये भी आने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली OnePlus TV की आ गई है एक खबर। पिछले 4-5 महीनों से एकदम शांति थी। जी हाँ, मैंने आपको जैन या फेब में बताया था कि OnePlus TV आने वाला है 2019 में, लेकिन अभी तक शांति थी। फाइनली रिमोट कंट्रोल OnePlus TV का जो है उसको ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन मिल गया है, और अगर ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन मिल गया है इसका मतलब OnePlus TV इज नॉट वेरी फार अगले 2-3 महीने में। जी हाँ, अभी तक ये रूमर स्टेज पे है, कंफर्म कुछ नहीं है, बट आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं कि 2019 में OnePlus TV हमें देखने जरूर मिलेगा। ऐसे दोस्तों ये जो हफ्ता है ये इसमें सेल वगैरह नहीं है, जुलाई 15 से बहुत सारे फ्लिपकार्ट अमेजोन सब जगह पे सेल चालू होने वाले, तब जरूर बताएंगे। लेकिन अब वक्त होता है हमारे सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स का नाम लेने का, और कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं अंश रावत, पद्मा प्रभाला और मार्क डिसूगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जबरदस्त कमेंट्स डाले, ऐसे ही कमेंट्स डालते रहिए, हम आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के हमारे ट्रैक एंड टेक न्यूज एपिसोड नंबर 463 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।